वॉल को चेंज नहीं किया है. वी फाइनली हैव आवर ओन किंग साइज बेड. हाय, आज हम करने वाले हैं एक लॉन्जरी हॉल, न्यू बॉडी टाइप, न्यू अंडर गार्मेंट्स. क्योंकि मेरे स्टाइल पहले से काफी लूज तो था, तो आउटर क्लोथ्स में इतना दिक्कत नहीं आ रहा है. बट आई एम गेटिंग स्पिलिंग. ये भी मेरा पुराना वाला ब्रा जो मैंने पहना है. आई न्यू इट वाज टाइम टू डू अ हॉल. दिस हॉल इज प्रेजेंटेड टू अस बाय ज़िवामे, क्योंकि उनका ज़िवाली सेल स्टार्ट हो रहा है 5th नवंबर 8 PM को. अप टू 50% ऑफ एंड फ्री शिपिंग, देन द COD ऑल्सो, एंड 15 डेज इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज. एवरीथिंग गुड पैकेज मिठाई का डब्बा प्रेजेंटेड विद दिस सेल. तो अगर आपको कुछ भी पसंद आएगा तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. तो लेट्स बिगिन द हॉल. फर्स्ट थिंग है ये बहुत ही सुंदर प्रिंटेड ब्रा. एंड आई नो व्हाट यू थिंकिंग कि हेली एवरी टाइम जब हमको ये लेना होता है आउट ऑफ स्टॉक होता है. हाउ आई बीन टैकलिंग दैट इज एज अ नोटिफाई मी सेक्शन. एवरी टाइम अगर कुछ चाहिए रहता है और आउट ऑफ स्टॉक होता है तो बस उस पर क्लिक करो एंड देन आपको ईमेल या मैसेज आएगा जब आपकी पसंद की चीज आपके साइज में वापस स्टॉक में आएगी. तो दैट्स हाउ आई गॉट माय हैंड ऑन दिस वन. एंड इतना कंफर्टेबल है ये, क्योंकि प्रिंटेड कुर्ते के नीचे पैडिंग जरूरत नहीं होती, वायर भी जरूरत नहीं होती, तो आराम से यू कैन जस्ट मूव अराउंड. चिल वाइब है पूरा. नेक्स्ट है ये एकदम पेस्टल ब्लू ब्रा. एंड नहीं, ये मैंने सिर्फ कलर के लिए नहीं लिया, आई एम नॉट दैट गर्ल एनी मोर. लेकिन इसका रीजन था कि जो अपने ब्लाउजेस होते ना, लाइक इफ यू रिमेंबर माय फेस्टिव क्लोथिंग हॉल मम्मी और हिमानी के साथ में, तो मैंने एक बहुत सुंदर ब्लू ब्लाउज पहना था. लेकिन मुझे उसके अंदर भी विदाउट ब्रा कंफर्टेबल नहीं होता, उसके लिए मैंने ये वाला लिया. बिकॉज इसमें कोई पैडिंग और कोई वायरिंग नहीं है, लेकिन इसका सपोर्ट काफी अच्छा खासा है, तो ब्लाउजेस के अंदर पहनने के लिए ये बहुत हैंडी आता है. सिमिलर टू द फर्स्ट वन, मेरे को एक और कलर मिल गया तो मैंने ले लिया. इसका अंदर ब्रा इज वेरी इजी बीजी नॉर्मल टी शर्ट के अंदर पहनने के लिए. तो आई प्रिफर वेयरिंग दिस नेवी ब्लू और प्लेन ब्लैक टी शर्ट के नीचे. इसका MRP ही 199 है, तो सेल में तो इवन इफ दिस इज नॉट ऑन सेल इट इज वन ऑफ माई टॉप फेवरेट. अगर मेरे को एक ब्रा रिकमेंड करना होता, सपोज आप सिर्फ कोई एक ब्रा लेने वाले हो, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गेट अ न्यूड ब्रा. मेरे पूरे कलेक्शन में से सबसे ज्यादा मेरे न्यूड ब्रा से यूज होता है, बिकॉज ये सबके नीचे जाता है एंड इतना सीमलेसली फिट हो जाता है कि इट्स जस्ट एब्सोल्यूटली परफेक्ट. ओके, न्यूड में ही इफ यू वॉन्ट टू गो थोड़ा एक स्टेप ऊपर, तो आप ऐसे फैंसी बैग वाला ले सकते हो, क्योंकि जो टैंक टॉप्स टी बैग वाले अपने ब्लाउज होता है ना, तो उसके अंदर ये काफी काम आ जाता है. ये जो पूरा लेस है ना, वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं, वो सपोर्ट भी अच्छा देता है. फॉर ऑल माई गर्ल्स जिनको स्ट्रैपलेस ब्लाउजेस पसंद है, ट्यूब इज अ मस्ट. बिकॉज काफी लोग ने मुझे बोला है कि उनको वायरिंग नहीं जमता, इंक्लूडिंग मी. अगर मेरे को पूरा दिन रहना है किसी में, तो वायरिंग इज नॉट माई फर्स्ट प्रेफरेंस. तो दिस इज अ परफेक्ट वन, क्योंकि इसके जो पैड्स है वो रिमूवेबल है. तो अगर आपको ब्लाउज के नीचे भी पहनना है जिसमें ऑलरेडी पैड्स है, या इफ यू जस्ट वॉन्ट टू वेयर इट विद द पैड्स अगर आपके ब्लाउज में पैडिंग नहीं है, तो ये बहुत सही से फिट आ जाते हैं, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी भी काफी अच्छी है. इसके साथ ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स भी आते हैं. आई नो यू मस्ट बी वेटिंग फॉर दिस, बिकॉज आप सोचोगे कि हेली ने ज़िवामे हॉल किया और चड्डिया नहीं ली. तो ऑफकोर्स ली. And I think this is in the title of the video. जो starting price मैंने लिख रखी है वो इसके लिए है. And I think ये भी MRP पे ही है. तो इट्स अ वेरी फैंसी अंडरवेयर, सबको ऐसा नहीं जमता है. आई थिंक इसको थॉन्ग बोलते हैं. बट अगर आपको कंफर्टेबल है तो यू कैन ट्राई दिस, बिकॉज द फैंसियर द स्टफ इज यूजुअली इट्स मोर एक्सपेंसिव. लेकिन ये स्टार्टिंग रेंज में मेरे को मिल गई. मैंने इसमें दो कलर लिए, एक नेवी ब्लू और एक पिंक. Sticking to essentials, एक ब्लैक स्ट्रैपलेस ब्रा भी काफी हैंडी आता है. ट्यूब के जैसे दिखता है, पता है, अगर थोड़ा सा सी थ्रू भी अगर आपका टॉप या ब्लाउज है, तो ये पता नहीं चलता कि ब्रा है कि ट्यूब है. That's what I like the most about black bras. This one is a great option सबके लिए जिनको स्ट्रैप्स दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो ये एक थोड़ा फैंसी ऑप्शन आ जाता है, बिकॉज इसके जो स्ट्रैप्स है उस पर ग्लिटर है. पर ये वैसा ग्लिटर नहीं है जो ऐसे हाथ लगाने से हाथ पे आता है, ये एकदम प्रॉपरली जड़ा हुआ है स्ट्रैप के अंदर. तो आई हैव दिस पिंक पट्टी वाला ब्लाउज, और उसमें से जब ये दिखता है ना, पता ही नहीं चलता कि अलग से ब्रा है. इट जस्ट मैचेस रियली वेल विद द होल लुक. टॉकिंग अबाउट स्ट्रैपलेस ब्रास, आई बॉट अ न्यूड वन टू, क्योंकि मेरे न्यूड ब्रास भी बहुत काम आता है. आई गिव यू अ हैक विद स्ट्रैपलेस ब्रास. इफ यू डू नॉट लाइक वेयरिंग ब्रा एट होम, अगर आप ऐसे घूमते हो और सडनली बाहर जाना है बस 2 सेकंड में, तो आप सिर्फ टी शर्ट ऊपर कर सकते हो एंड स्ट्रैपलेस ब्रा डायरेक्टली पहन सकते हो. दैट इज हाउ आई यूज माय स्ट्रैपलेस ब्रास अ लॉट. आई नो कि इट विल साउंड वियर्ड, बट इट इज अ वेरी यूजफुल. दिस इज अगेन अ कलर इन द टी बैग वाला ब्रा, क्योंकि करंटली मेरे पास इसमें ब्लू है जो मैं काफी यूज करती हूँ. तो इसमें बेसिक कलर्स तो लेने ही है, बिकॉज दे कम इन वेरी हैंडी. या मेरे को ये बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे को अतरंगी
बट आउट देयर चीजें वैसे भी पसंद है, नॉट जस्ट इन माय अंडर गार्मेंट्स एंड माय आउटर गार्मेंट्स टू. एंड ये देख के ऐसा लगा कि बहुत एक्सपेंसिव था, ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं था. फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर इसका MRP 995 था, बट सेल चालू है, उससे कम में ही मिलेगा. मुझे भी ऑलरेडी काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिला था, तो डू नॉट मिस आउट द लेस कलेक्शन, बिकॉज करंटली लेस कलेक्शन का सेल बहुत तगड़ा है. ब्रो, आई विश वन डे आई गेट द कॉन्फिडेंस कि मैं बस इसको डेनिम के साथ पहन के घूम पाऊँ, क्योंकि ये बहुत हॉट है. ये देख के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया, बिकॉज मेरे पास एक पर्टिकुलर ड्रेस है जो काफी डीप नेक है. वैसे आई डू फील कम्फर्टेबल, लेकिन समटाइम्स आई एम नॉट इन द मूड इतना डीप नेक पहनने को. तो ये ब्रा इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दैट, क्योंकि इसमें जो नेट है आगे वो दिखता है जब भी डीप नेक ड्रेस होता है तो. एंड शॉर्ट सीन है, पता है, बार बार ऊपर नहीं खींचना पड़ता टी शर्ट, एंड टेंशन नहीं लेना पड़ता कि ट्यूब नीचे तो नहीं खिसक गया, बिकॉज इट्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द ब्रा. ऐसे तो मैंने इसमें और कलर ढूंढने की ट्राई की, तब तो नहीं थे, बट अगर अभी है तो जस्ट गेट लाइक अ गुड ब्लैक वन, ये ब्लैक हॉट. लेकिन ये ब्लू भी काफी सही कलर है इफ यू जस्ट लाइक कलर्स लाइक मी. Oh, yes. इसके लिए मैं कितनी एक्साइटेड थी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा काम की चीज है. नो, दिस इज नॉट जस्ट अ टॉप, इसमें एक्चुअली अंदर बटन भी है ब्रा के स्ट्रैप में इसको फंसाने के लिए अच्छे से. तो ये एक नेट स्लीव है जो आपके कोई भी स्लीवलेस कपड़े को फुल स्लीव इस तरीके से बनाता है कि नहीं पता चलता है कि वो स्लीवलेस था. मोर चड्डीज, लेकिन यूनिक चड्डीज, लाइक लुक एट द वेस्ट ऑफ दिस साइज. देखकर टेंशन मत लेना, ये बेबी का डायपर नहीं है, इसका स्ट्रेच इज वाइड, दिस इज अ गुड साइज. तो जो मेरी तोंद निकल आई है, जो मस्त मैंने गोलगप्पा पाल के रखा है मेरे पेट के ऊपर, तो वो जब भी थोड़ा ऐसा, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, जब भी मैं कुछ लो वेस्ट पहनती हूँ ना तो बाहर आ जाता है. And I don't feel very comfortable about it. इसलिए I thought कि these high waist chaddis are perfect, क्योंकि ये इसको hold करता है without making me feel like vomiting. इसका material comfortable है and fit भी एकदम comfortable है. And that is why ये chaddis have entered our life. अगर आपको ये वीडियो में से कुछ भी पसंद आता है तो remember to use the code जो मैं अभी तक दिखा रही थी वीडियो में, हेली जिवा में. Additional 10% off मिलेगा जो भी sale amount है उसके ऊपर. Shop your heart out. Sometimes you just need a little bit of a more discount to convince yourself whether you need it or not. So that is what you can use this coupon for. डिसाइड कि हाँ ये फाइनल प्राइस पे आपको ये पैसा वसूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है. ओके, दिस आइटम इज सो फ्रिकिंग यूजफुल. अगेन, यू डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लोथिंग वेयर हॉल आई डिड, जिसमें मैंने एक ऑरेंज चिकनकारी कुर्ती पहनी थी, लेकिन उसके अंदर मैंने पहना था मेरा ग्रे ड्रेस, क्योंकि मुझे उसकी सेम कलर वाली स्लिप नहीं मिलने रही थी तभी. तो एक न्यूड स्लिप ले लिया, दिस इज अ न्यूड कुर्ता स्लिप जो सारे के सारे चिकन कुर्ते या ट्रांसपेरेंसी कुर्तियों के अंदर इजिली जा सकता है. एंड don't have to worry about having the same color ka slip of every kurta anymore. Kya problem solving cheez hai ye. Phir sardiyon ki taiyari, lekin ek very very cute andaaz mein hai ye night dress. बहुत ज्यादा क्यूट है, फ्लफी टू अनदर लेवल ओनली भाई, एकदम ज्यादा सॉफ्ट है. एंड ये इसकी मैचिंग पैंट नहीं है, लेकिन मुझे ये मिंट और पिंक का कॉम्बो बहुत सही लगा, ये कैंडी वाइब्स देता है. तो इसके नीचे ये वाली पैंट चूज की मैंने. द रीजन आई चूज दिस मटीरियल नॉट एग्जैक्टली फॉर मटीरियल, आई थॉट कि मैं बाहर भी पहन सकती हूँ मुंबई, यहाँ इतनी ठंड अभी तक शुरू हुई नहीं है, तो मेरे को अभी से इसको बाहर पहनना स्टार्ट करना है. तो इट्स लाइक अ मल्टीपर्पज थिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडिविजुअली भी ले सकते हैं. हाँ, ये चीज तो माय एवरी सिंगल टाइम वी हैव डन अ हॉल, माय मदर हैज ऑलवेज गॉन लाइक हेली सारी शेप पर कब. अब वी गॉट, एक्चुअली आई थिंक दो लिए थे, हाँ दूसरा भी है. तो ये वाला इज द स्लिम फिट वाला जो एक आवर ग्लास शेप देता है बॉडी को, इफ दैट्स व्हाट यू लाइक. एंड वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स दैट मॉम हैड वाज कि इसमें ये प्लीट्स कैसे रहेंगे. तो जो बैंड है ना, जो इट्स वेरी मोटा एंड इट्स अ वेरी हाई कॉम्प्रेस्ड वाला इलास्टिक, तो इट डजंट मेक यू फील सफोकेटेड एट ऑल, बट एट द सेम टाइम प्लीट्स को बहुत अच्छे तरह से पकड़ लेता है. एंड यू कैन सी इट हाउ वेल इट इज होल्डिंग अप, एंड फुल वर्थ द इन्वेस्टमेंट. एंड व्हेनेवर आई एम गेटिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं हमेशा न्यूड में ही लेती हूँ, बिकॉज बोल चुकी हूँ मैं सबके साथ मैच होता है, तो ये भी न्यूड में. एंड जो दूसरा वाला है ना, ये थोड़ा ज्यादा ब्रीदेबल वालों के लिए, बिकॉज अगर आपको ट्रेडिशनल पेटीकोट की आदत है एंड अगर आपको आवर ग्लास फिगर नहीं चाहिए, तो ये वाला इज परफेक्ट, क्योंकि नीचे से इसका थोड़ा सा घेरा निकल जाता है. तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से यू कैन चूज व्हाटएवर यू वांट. मेरे को पर्सनली वो आवर ग्लास वाला पसंद आता है, लेकिन इफ यू आर गेटिंग इट फॉर समवन लाइक योर मॉम, और अगर उनको नॉर्मल वालों की आदत है तो आप उनको ये वाला दे सकते हो.
फिर आते हैं मास्क. तो मैंने एक ये वाला सेट लिया था, स्ट्राइपी वाला. फन है, इट्स प्रीटी क्यूट. आई हैव यूज्ड ज़िवामे मास्क बिफोर, तो धोने से दे हैव नॉट टर्न हार्ड एट ऑल, इसलिए मेरे को ये लेने थे बिकॉज दे लास्ट लॉन्ग. तो अच्छा लगता है पेस्टल पेस्टल, तो अच्छा लगता है. तो पिंक एंड ब्लू. थोड़ा आई वाज थिंकिंग कि मैं दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, मेरे को जज मत करना कोई, बट आई रियली रियली एंजॉय ऐसे टाइप का लॉन्जरी भी, विच इज क्वाइट बोल्ड. एंड दैट इज द होल पार्ट के वो एम्पावरिंग वाला फीलिंग इसलिए आता है बिकॉज किसी को पता नहीं कि आपने पहना है नीचे, बट यू जस्ट फील गुड. तो ऐसे जो क्रिस क्रॉस वाले पट्टियां आता है ना नीचे, मेरे को बड़े सही लगता है. बहुत टाइम पहले मैंने इसमें ब्लैक कलर लिया था, ये है ब्लाउज ब्रा. तो ब्लाउज के अंदर ही इनबिल्ट ब्रा है. इसका मेकिंग इतना अच्छा है कि बिल्कुल पता नहीं चलता कि अंदर ऑलरेडी ब्रा है. तो दिस इज समथिंग जो मुझे कंफर्टेबल फील होता है डायरेक्टली पहनने में, क्योंकि इसमें एक एक्चुअल पूरा ब्रा है और ऑकवर्डली कप्स नहीं बिठाए गए हैं डायरेक्टली. फिर अगर कोई फैंसी सा ब्लाउज है तो उसके लिए यू कैन ट्राई दिस वन. नाउ आई नो कि मैंने पहले बताया आपको कि हाउ आई डोंट फील कंफर्टेबल इन ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्ट्रैप्स जल्दी से, बट इस वाले में आपको न्यूड वाला भी मिलता है एंड पीछे से सिर्फ एक पट्टी है. तो अगर आपका लो बैक ब्लाउज है ना, तो आप ये न्यूड वाले पट्टे के साथ भी पहन सकते हो. अगर आपका कंप्लीटली बैकलेस ब्लाउज है तो ही आपको ये ट्रांसपेरेंट वाला लगाना पड़ेगा, विच आई थिंक इज गुड कि एक ही ब्रा ने दोनों काम कर लिए. तो ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता है सिर्फ फैंसी फैशन ट्राई करने के लिए. एंड न्यूड कलर, इजी ब्रीजी, नो टेंशन. फिर मेरे पास है दो और ब्रास वही ब्लाउज के अंदर पहनने के लिए. थोड़ा सा फैंसी लेस वर्क है. अगर आपका डीप नेक ब्लाउज है एंड इफ यू वांट इट टू शो, तो आप ऐसा वाला ट्राई कर सकते हो. या तो अगर आपका फ्रंट क्लोजिंग ब्लाउज है और आपको फ्रंट क्लोजिंग ब्रा ही चाहिए, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल था, तो मैंने वो भी पिकअप कर लिया. आई नो कि मॉडर्न ब्लाउजेस फ्रंट से क्लोजिंग नहीं होते जल्दी से, बट मेरे पास काफ़ी सारे हैं पुराने ब्लाउजेस भी जो फ्रंट क्लोजिंग है, तो उसमें आई थिंक दिस वुड बी गुड. नो आई डोंट थिंक मैंने ज़्यादा ऐसे बेसिक टी शर्ट ब्लाउज पिकअप किए, बिकॉज आई थिंक मेरे पास काफ़ी सारे हैं वैसे तो. बट इफ़ यू वॉन्ट मी टू ट्राई सम, मेरे को बताना वापस DM करके जैसे आपने पहले किया है. तो दिस इज जस्ट अ बेसिक वाइट ब्रा, लेकिन दीज स्ट्राइप्स, आई लव स्ट्राइप. एंड द लास्ट ब्रा इज जिसके मुझे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आए थे, जो था मिराकल ब्रा. काफी सारे मैसेजेस में ये लिखा था कि यू वॉन्टेड टू नो के एग्जैक्टली वॉट इज द मिरेकल पार्ट जो उसके टाइटल में है. एंड द मिरेकल पार्ट इज के ये देख के लगता है कि इट्स अ पतला मटीरियल, बट द सपोर्ट इट प्रोवाइड इज इनसेन. जो लिफ्ट ये दे देता है विदाउट ऑक्यूपाइंग एनी स्पेस एट ऑल, क्योंकि अगर समटाइम्स आई गेट कॉन्शियस अबाउट माई चेस्ट के वाई इज इट लुकिंग सो बिग इन सम काइंड ऑफ ब्रास. एंड अगर आपको वैसा कोई आउटफिट है जिसमें आपको एकदम परफेक्ट लिफ्ट चाहिए बट विदाउट एक्सपैंडिंग द साइज ऑफ इट, दिस वर्क्स लाइक अ मिरेकल. एंड द लास्ट थिंग आर टू वर्ड चड्डीज बट इन पेस्टल कलर, इसलिए मैंने लास्ट रखा क्योंकि ये बहुत क्यूट है. आई हैव मूव्ड अप टू अ साइज लार्ज इन चड्डीज नाउ, बिकॉज वो पेट को भी कवर करना जरूरी है ना यार. बट मैंने मेरे पुराने वाले पे अभी तक रखे रखे हैं, बिकॉज व्हाट इफ वी लूज वेट नाइसली, लूज वेट नो, वी गेट हेल्थियर नाइसली, तो वो भी यूज कर लेंगे. And this was our big lingerie haul. And I think सारे के सारे products cover किए हैं जिसका आपको review देखना था. लेकिन if there's any product जो नया आया है जिसका आपको देखना है कि कैसा है, definitely let me know. And अगले haul में I will include that for sure. Diwali sale start हो गया है 5th November 8 PM को. तो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो you will get up to 50% off. अपना coupon का तो इसके ऊपर भी और मिलेगा, लेकिन there is easy returns and exchange. There's COD also. Free shipping भी है. तो इट्स अ गुड टाइम टू गेट समथिंग जो भी आपके विशलिस्ट में था. अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो गिव इट अ थम्स अप. इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स डाउन. एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन, गुड बाय.